हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं जा रही हूँ नोएडा फॉर हाउस हंटिंग। सो दोज हु डोंट नो, आई स्टे इन गुड़गांव राइट नाउ और थर्ड टाइम आई एम प्लानिंग टू मूव टूवर्ड्स नोएडा। सो जिस एरिया में मुझे जाना है, एक्चुअली आई डोंट नो अबाउट इट पर्टिकुलरली, और ब्रोकर से मैंने बात की हुई है एंड दे आर गोइंग टू शो फ्यू लाइक ऑप्शंस। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट यू गाइज टू सी कि कौन सा बेटर ऑप्शन रहेगा, कैसा है वहाँ का रेंट एज कम्पेयर टू गुड़गांव। सो कम विथ मी। फिलहाल तो हम इनमें से किसी गाड़ियों में नहीं जाएंगे, हमने अपना किया है रेंटल कैब बुक। चलो चलते हैं। एक हॉल्ट लिया है हमने, आई एम गोइंग टूवर्ड्स तनिष्क और थोड़ा सा काम है 5 मिनट का। अभी फिलहाल हम MG रोड पे हैं गुड़गांव के, 2 घंटे लगने वाले हैं दोस्तों। नोएडा चलते हैं। नाउ वी आर ऑल डन विद द तनिष्क वर्क, लेट्स गो टू नोएडा। सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी जहाँ पे हम अभी देखने जा रहे हैं। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जो सीलन और ऐसे टूटे फूटे जो दीवारें हैं ना, आई डेंट लाइक एट ऑल। अंदर चल के देखते हैं प्रॉपर्टीज़ कैसी है। अदरवाइज मुझे सीलन तो दिख रही है अच्छी खासी। कुछ नई सी प्रॉपर्टी है बट पता नहीं क्यों इट्स नॉट ऑफ अ गुड क्वालिटी। ये देखो हाई राइज बिल्डिंग, हाउस नंबर 1 किचन। ओके सो दिस इज द किचन एरिया, ये हॉल है। ओके आगे कितना गंदा है, वॉशरूम। अब बेड लगते ही खत्म हो गया तो। ये बेडरूम है, कितना छोटा है। बेडरूम नंबर 2, कितना गंदा है। बालकनी व्यू। ओके सो देयर इज स्विमिंग पूल। मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड फ्लैट नाउ, देखते हैं यहाँ का कैसा है। ये देखो हमने चलो सो दिस इज द किचन। किचन है ये, हॉल सिमिलर टू डार्क। हाँ ये वॉशरूम है जो लास्ट वाले में गंदा सा था, सेम वही उतना ही बड़ा ये बेडरूम है। यहाँ पे ऐसे वार्डरोब सा लगा हुआ है। सेकंड बेडरूम में आते हैं, यहाँ एक वार्डरोब है, इधर ये है। यानी कैसे इतनी छोटी सी बालकनी है, खुलता नहीं है शायद, बट वो देखो सीलिंग यहाँ से दिख रही है सीलिंग। आई डिडंट लाइक दिस व्यू। ऊपर देखो, थर्ड बेडरूम एंड ये वॉशरूम। यू सो ये मेरे फ्रेंड का घर है जहाँ पे देखने आए हैं। दिस इज ऑल्सो अ सैम्पल। सो दिस इज वन ऑफ द रूम एंड
ये बालकनी काफ़ी ज़्यादा बड़ी लग रही है। ये एक्चुअली बिल्डिंग मुझे काफ़ी सही लगा क्योंकि बालकनी के सामने इनफैक्ट यहाँ पे ये इस तरह का पार्क एरिया भी दिया हुआ है एंड काफ़ी बैडमिंटन वगैरह खेलने के लिए भी है एंड काफ़ी मतलब वेल मेंटेन्ड है। जो लास्ट प्रॉपर्टी हमने देखी थी वैसा नहीं है। सो ये एक है, सो शी इज़ गोइंग टू शिफ्ट फ्रॉम हियर, सो इसलिए हम लोग अभी देख रहे हैं। ये मास्टर बेडरूम है, काफ़ी बड़ा है ये एज कम्पेयर टू द लास्ट वन। सो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, ये यूटिलिटी के लिए एक स्मॉल स्पेस दिया हुआ है। सो आई पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो मुझे ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है एज कम्पेयर टू द लास्ट टू वन। थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं अगर कुछ और बेटर मिल जाता है तो फिर से। सो ये जिमनेजियम है। ओके, नाइस नाइस, आई लाइक। Yes, nice, na? टेबल टेनिस, पूल, ओके, सो दिस इज द बैंक्वेट एरिया है ना, बैंक्वेट एरिया काफी अच्छा है, काफी स्पेशियस है। नाइस ना, आई लाइक इट, आई लाइक द एम्बियंस एक्चुअली। सो चलो बाहर चले एंड वी आर हियर, नाइस एंड स्पेशियस। अच्छा डांस क्लास, नाइस। सो यहाँ डांस क्लास होता है। यहाँ से मेट्रो का भी व्यू है, ये काफ़ी बिल्डिंग्स हैं एंड इधर हाईवे, नाइस। सो ये जो बिल्डिंग है यहाँ पे ऊपर की तरफ टेरेस गार्डन है, हाँ काफ़ी हाइट पे है ये वैसे भी, इट लुक्स वेरी नाइस एंड आई लाइक द स्पेस। हर जगह पे काफ़ी स्पेस देके बनाया है सही में। वो फर्स्ट वाली जो बिल्डिंग देखी ना, वहाँ जाके जो डिप्रेशन हुआ उसके अकॉर्डिंग लाइक दिस इज फार बेटर। और उसने जो एक्सपेक्टेशंस लो की ना, इसने थोड़ी सी ऐसे ओके गुड फील कराया है। लेट्स गो एंड सी सम अदर प्रॉपर्टीज एज वेल। सो ये जो एरिया है ना, ये पूल का एरिया है, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस एंड वेल मेंटेन्ड है विच आई लव्ड। एंड जस्ट लुक एट दीज प्रॉपर्टीज़, लाइक काफ़ी हद तक अगर आप ऐसे भी देखो ना बाहर से तो बहुत ही अच्छा मेंटेन्ड प्रॉपर्टी लग रही है विच वॉज अनलाइक द फर्स्ट वन। सो दिस इज़ द थर्ड प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे अगर हम देखें, ये पूरा हॉल एरिया है, मैं सामने से दिखाती हूँ। सो ये किचन है, ये किचन एरिया है, यहाँ पे थोड़े कबर्ड्स वगैरह दिख रहे हैं मुझे। आई थिंक ये इधर की तरफ छोटी सी बालकनी है,
ये हॉल है, ये एक रूम है, बेडरूम कह लो, आई थिंक ये शुरू होने के पहले ही खत्म हो जा रहा है। यहाँ से व्यू मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, लाइक यू कैन सी, बट सी कितना डर्टी है ये पूरा। ये इतना छोटा सा वॉशरूम है, आगे दूसरे वॉशरूम में चलते हैं। सो दिस इज द दूसरे रूम में आए हैं हम। ये कवर्ड है अगेन, ये वॉशरूम इतना ही है, एंड बस इसका जो एक ये देखो, पहले ये तो पूरा एकदम निकला हुआ है। यही यहाँ का एक थोड़ा सा बेस्ट पार्ट लगा मुझे, अदरवाइज आई डिडंट लाइक इट, नो। सो जो थर्ड बिल्डिंग है वो हम यहाँ देखने के लिए आए हैं। दिस इज़ डिफरेंट सोसाइटी ऑल टुगेदर। यहाँ पे ऑफिसेज वगैरह भी बन रहे हैं। ये थोड़ा सा ग्रीन एरिया आपको दिख रहा होगा, एंड ये अगेन रेजिडेंशियल एरिया है। फर्स्ट पोर्शन तो हमने देख लिया अभी, एंड मुझे अच्छा नहीं लगा सही बताऊँ तो। आई डिडंट लाइक एनीथिंग, ना स्पेस है। जो हमने जो मेरी फ्रेंड वाला जो घर देखा था, दैट्स फार बेटर। इन फैक्ट उनके पास जो एमिनिटीज़ हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, बट यहाँ पे अगर मैं ऐसे देखूँ तो बाहर से काफ़ी चीज़ें सही हैं, बट आई डिडंट लाइक द ऑरा, लाइक यू नो व्हाट आई मीन। अभी दूसरी जगह ब्रोकर के साथ हम लोग जा रहे हैं दूसरा घर देखने के लिए, देखते हैं वो कैसा है। इट्स गोइंग टू बी अ 3 BHK अगेन। सो ये टेक्निकली फोर्थ प्रॉपर्टी है जहाँ हम आए हैं। चलो चलते हैं। हॉल एरिया, ये बेडरूम है, वॉशरूम है, ये इतना छोटा सा। अगेन सी दिस बालकनी, किचन, हाँ किचन किचन किचन। ये बालकनी एरिया है यहाँ पे। सो इस तरह से है, बहुत ही गंदा है जो भी है यहाँ। ये है कि बच्चे यहाँ आपको चहल पहल दिखेगी, बच्चे स्केटिंग कर रहे हैं, उनका ट्रेनर है वहाँ पे। आगे चलते हुए हम अंदर चलते हैं। आई डिडंट लाइक दिस क्वालिटी। ये वॉशरूम है इसका, इधर से एंट्रेंस भी है। ये एक अगेन मास्टर बेडरूम है, एंड इसके दो तरफ से वॉशरूम की एंट्री है। अगेन यहाँ पे भी अंदर से बालकनी का एक्सेस है ये वाला। सो दिस इज हाउ द बालकनी लुक्स लाइक, एंड अंदर चलते हैं हम। दिस इज अगेन अ मास्टर बेडरूम। यहाँ पे ये कबर्ड वगैरह है। ये एक थोड़ा सा स्पेशियस वॉशरूम लग रहा है मुझे। ओके सो ये रूम टेक्निकली मुझे थोड़ा स्पेशियस लग रहा है अगर मैं ऐसे देखूँ तो। अगेन दिस थिंग यहाँ पे, एंड ये वॉशरूम है। आगे चलते हैं हम, एंड ये रूम मैंने दिखा दिया, ये वॉशरूम है। आगे हॉल है, एंड अगेन दिस इज अ रूम। वी हैव एंटर्ड फिफ्थ प्रॉपर्टी, एंड चल के देखते हैं ये कैसा है इनसाइड। चलो। सो अभी थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे, वुड वर्क है। आई थिंक दिस इज स्टडी रूम टाइप का, एंड दिस इज द हॉल। यहाँ पे ये किचन है, अभी ये कैबिनेट्स वगैरह का काम नहीं हुआ है। ओके वुड वर्क। यहाँ पे ये बालकनी है बाहर की तरफ, ये बेडरूम है। अगेन यहाँ पे बालकनी का एक्सेस है, वार्डरोब बन रहा है अभी, एंड ये एक वॉशरूम है। नेक्स्ट अप इज दिस वन, दिस इज अगेन अ वॉशरूम। आई थिंक ये भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और ये एक छोटा सा बेडरूम है।
वी आर एट द सिक्स्थ प्रॉपर्टी एंड यहाँ पे 2 BHK प्लस 1 स्टडी है, वो चेकआउट करते हैं. मैं उसी के बालकनी एरिया में खड़ी हूँ. दिस इज द स्मॉल बालकनी एंड यहाँ पे इस तरह से पीछे का व्यू आता है बिल्डिंग्स का ही. ये है एक बेडरूम, अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी. ये ऊपर शायद ऊपर अभी सीलिंग वगैरह का काम होगा. ये अंडर कंस्ट्रक्शन, सो ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है. दिस इज कबर्ड. आगे चलते हैं हम. ये अगर आप देखो तो काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है. दिस इज़ वॉशरूम एरिया. यहाँ पे भी ये एक बेडरूम टाइप का है, कबर्ड है. हॉल काफ़ी बड़ा है इसका, अगर देखा जाए तो ऐसे काफ़ी बड़ा है. यहाँ पे भी एक बालकनी है. और ये मुझे लगा था कि चाय का होता है कुल्हड़, बट ये पाव भाजी का भाजी डाल दिया है इसके अंदर. ये है हमारा बन मस्का जो कि हमारी निशा खाएंगी. और ये चाय के कनस्तर, कॉफी के कनस्तर में चाय. ये क्या है? समोसा चाट. एंड दिस इज आवर पोहा. एंड ये है कीमा पाव. नोएडा से आते आते गुड़गांव मुझे 2.5 घंटे हो गए थे एंड मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड होके सो गई सीधा. एंड अभी उठी हूँ तो मैंने सोचा व्लॉग तो एंड किया नहीं था तो आप लोगों से बात भी हो जाएगी. एक्चुअली क्या है ना कि काफ़ी लाइफ में चीज़ें अभी चल रही हैं तो मैं व्लॉग के थ्रू आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी अलॉन्ग विथ माई फैशन वीडियोज़ एज वेल. दिस वॉज इट गाइज. इतना रखते हैं इस व्लॉग को फिलहाल के लिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल नाउ गाइज. अगर आपने अभी तक देख लिया है तो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग फैट थम्स अप. दिस विल एनकरेज मी टू मेक सच काइंड ऑफ व्लॉग्स अगेन. एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज. बाय बाय.